सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के उज्जवल सुनहरे भविष्य। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस जो चैप्टर चल रहा है, लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर को डिस्कस किया है काफ़ी डिटेल में। तो आज पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिजिकल फिनोमिनन है, ये आप डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हो, और जहाँ तक नॉलेज की बात है बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो आप और लोगों के सामने इस चीज़ को बताकर अपने आप को बहुत बड़ा फिजिसिस्ट साबित कर सकते हो। वो फिनोमिनन है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। शील्डिंग तो समझ रहे हो ना, शील्ड हो जाना, मतलब किसी चीज़ से बचाव कर लेना। वो लड़ाई वड़ाई करते थे ना पुराने ज़माने में तलवार लेके, तो साथ में एक वो बड़ा सा गोल सा शील्ड होता था, देखा होगा आपने, सामने वाला मारे तो सामने लगा देने का, है ना, तलवार मारे तो रोक लेने का, ऐसे शील्ड आता था, है ना। तो ये है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से खुद को या किसी चीज़ को कैसे शील्ड करके बचा सकते हो। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ अनोखा नहीं है इसमें। ठीक है, दो मिनट में समझ में आ जाएगा, दो मिनट में। अच्छा, हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि जो शेल होता है ना, मेटेलिक शेल अगर है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। अच्छा, अगर ये चार्ज्ड है, ठीक है, अगर चार्ज नहीं है तो जीरो है, और अगर ये चार्ज्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर तो होगी, इसके परपेंडिकुलर सरफेस के, लेकिन अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। आपने कंडक्टर की बात की थी, कोई भी शेप का कंडक्टर हमने लिया था, जैसे हमने लास्ट वीडियो में जो डिस्कस किया था, इसमें अगर ये अनचार्ज्ड है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, चार्ज्ड है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होगी। ठीक है, अगर ये चार्ज्ड है, अगर ये चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ होगी, राइट, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, लेकिन सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ, या फिर हो सकता है कि अंदर की तरफ भी आए ऐसे, लेकिन इस रीजन में नहीं बनेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, भले ऐसी बन जाएं। ठीक है, या आपका अगर नेगेटिवली चार्ज होता, या अगर नेगेटिवली चार्ज होगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सब ऐसे बनेंगी। ठीक है, और पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ बनेंगी, लेकिन चाहे कैसे भी बने इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, बाहर के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, अंदर इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा। क्लियर है, पक्का? अच्छा, अब अगर ये कैविटी वाला, इसके अंदर एक छोटी सी कैविटी बना दो आप, ठीक है, इसके अंदर एक छोटी सी कैविटी बना दो, मतलब ये वाला हिस्सा आपका खोखला है, ठीक है, ये पूरा मेटल है, पूरा भरा हुआ आपका, ये पूरा मेटल है, और ये एक छोटा सा हिस्सा, इसमें थोड़ा सा गैप है, ठीक है, ये खोखला रीजन है। अब बताओ इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो इस रीजन में, ये कैविटी में भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? जीरो होगी। ठीक है, कैविटी में क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। ओके, अब ये कैसे? इसी चीज को हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं, इसी चीज को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ये समझते हैं कि मान लो एक मेटल का बॉक्स ले लिया आपने, ठीक है, एक मेटल का बॉक्स है, ठीक है, ये पूरा मेटल है, सॉलिड सेक्शन पूरा, और ये अंदर खोखला है, ठीक है। अगर इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। मतलब ये हुआ कि अगर आप इसके अंदर बैठ जाओ, ठीक है, आप जाकर इस बॉक्स के अंदर बैठ जाओ, और मैं इस बॉक्स को ले जाकर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूँ, ठीक है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूँ, ये पूरा किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में बॉक्स को रखा हुआ है। अब नॉर्मल क्या होगा? नॉर्मली ये होगा कि आप अगर किसी बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड में आते हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के कांटेक्ट में आते हो सकता है आपको शॉक लगे, ठीक है, आपके ऊपर उसका असर आएगा। लेकिन अगर आप इस तरह के मेटल के बॉक्स में अंदर जाकर बैठ गए, और उस केस में अगर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो भी आपको शॉक नहीं लगने वाला, आपको अंदर कुछ नहीं होने वाला। आप अगर इसको चार्ज भी करो, इस सरफेस को चार्ज करो, ठीक है, पूरा चार्ज भर दो इसके ऊपर, तो भी आपको अंदर शॉक नहीं लगने वाला। क्यों नहीं लगने वाला? तो इसके दो रीज़न है। अगर आप इसको चार्ज करते हो, अगर आप इसको चार्ज करने की कोशिश करते हो, तो हमने पीछे के सेक्शन में डिस्कस किया पिछले वीडियो में, कि अगर आप किसी भी मेटल को चार्ज करते हो तो जो चार्जेस हैं वो सिर्फ सरफेस पर एक्यूमुलेट होते हैं, है ना, अंदर बॉडी में चार्जेस नहीं जाते। तो वैसे ही अंदर खोखला रीजन है, ठीक है, आप चार्जेस भरोगे तो चार्जेस सिर्फ ऊपर के रीजन में भरेंगे, ठीक है, बाहर के रीजन में भरेंगे, अंदर कुछ नहीं होगा, ठीक है। और अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप की गई है,
ठीक है, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा वो बता देता हूं। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, आपके मेटल को ना उसके अंदर चार्जेस इंड्यूस करने की कोशिश करेगा। मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, उन चार्जेस के ऊपर कुछ इंडक्शन क्रिएट करेगा, मतलब आपके मेटल बॉक्स को वो चार्ज करने की कोशिश करेगा। तो वो कैसे चार्ज करेगा पता है? अच्छा, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरह से मैंने दिखाया हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट, यानी कि ये रीजन मेरा पूरा पॉजिटिव चार्ज का, ये वाला रीजन, ठीक है, और ये वाला हिस्सा मेरा पूरा नेगेटिव चार्ज का है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ऐसा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है। इस बीच में आपने अपना बॉक्स रख दिया, आपने ये बॉक्स जो रख दिया, अब इसके ऊपर क्या होगा कि देखो इस रीजन में, ठीक है, इस रीजन में क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इस रीजन में नेगेटिव चार्जेस बिल्टअप हो जाएंगे, ठीक है, इस वाले हिस्से में, ठीक है। और क्योंकि ये नेगेटिव चार्जेस उस तरफ से इस तरफ आ गए हैं, यहाँ छोड़ छोड़ के इलेक्ट्रिक आपके नेगेटिव चार्जेस इस तरफ आए हैं, तो इस रीजन में आपका पॉजिटिव चार्ज का बिल्टअप हो जाएगा। समझा रहा है क्या कह रहा हूँ मैं? ये आपका मेटल का बॉक्स था पूरा, ठीक है, आपने इसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर आपने बॉक्स ला के रख दिया। अच्छा, अब ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से दिखाया आपने, इस तरफ से इस तरफ जाता हुआ, तो ये रीजन आपका पॉजिटिव चार्ज वाला कहलाएगा, है ना, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है, तो ये रीजन आपका पूरा पॉजिटिव चार्ज का और ये रीजन आपका पूरा नेगेटिव चार्ज का, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ जा रही है, बीच में रखा हुआ है बॉक्स। अब ये बॉक्स जैसे ही बीच में आया तो बॉक्स के ऊपर चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे। कैसे चार्जेस इंड्यूस होंगे कि इस सेक्शन में नेगेटिव चार्जेस बिल्टअप होंगे। आपको सोचने वाली बात है वैसे भी, क्योंकि ये पॉजिटिव रीजन है ना इस तरफ, तो इस तरफ नेगेटिव चार्जेस भाग के आएंगे, ठीक है, और क्योंकि यहाँ से नेगेटिव चार्जेस यहाँ चले गए हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का रीजन बन जाएगा, है ना, इस रीजन में पॉजिटिव चार्ज बिल्टअप हो जाएगा। तो देखो इस वजह से इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड और सेटअप होगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक और सेटअप होगी, कैसे, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब बोलोगे अभी तो थोड़ी देर पहले बोल रहे थे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, अभी बता रहे हो कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुई है, सेटअप हुई है कैसे जीरो है वो भी बताता हूं। देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, अगर मैं इसको पूरा बनाऊं ऐसे, तो ये अंदर से क्रॉस करके जा रही थी, है ना, समझो कि अंदर से क्रॉस करके जा रही है, और अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई जो इस डायरेक्शन में है, समझ में आए, ठीक है। नॉर्मल हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपको मैंने ये बताया पहले, फिजिकली ये बताया कि एक बॉक्स है मेटल का, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगी, तो इसलिए मैंने अंदर लाइंस नहीं बनाई, ठीक है। अब मैं ये समझा रहा हूँ आपको कि क्यों अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ठीक है। तो देखो ये बॉक्स रखा हुआ है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से क्रॉस करके जानी चाहिए, नॉर्मली ये होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे क्रॉस करके जा रही हैं, लेकिन अंदर क्या मेटल के ऊपर चार्जेस इंड्यूस हो गए, इस तरफ नेगेटिव चार्ज बिल्टअप हुआ, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज बिल्टअप हुआ, इसकी वजह से एक और इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुई पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ऐसी है जो मैं रेड लाइन से दिखा रहा हूँ, ठीक है, और ये ब्लैक लाइन से जो दिखा रहा हूँ मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब देखो ब्लैक वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ जा रही है, और आपका जो अंदर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हुई है वो इस तरफ जा रही है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगी कि दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, ठीक है, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे, और कैंसल आउट करने की वजह से अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, बाहर कैंसल आउट नहीं हो रहा है, ठीक है, ये बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस नहीं कर रहे हैं, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस कर रहे हैं, तो इस रीजन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो हो जाएगा, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, अंदर कुछ नहीं होगा, क्लियर है। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, क्या है ये, इलेक्ट्रो स्टैटिक शील्डिंग, ठीक है, समझ आया पक्का। अच्छा, इस तरह के अरेंजमेंट को, इस तरह का अगर कोई मेटल का बॉक्स ले लो, इसे हम क्या कहते हैं पता है, फेराडेस केज, क्या कहते हैं हम इसे, फेराडेस केज, क्योंकि इस फिनोमिनन को सबसे पहले माइकल फेराडे ने एक्सप्लेन किया था, उन्होंने खुद ये एक्सपेरिमेंट किया, एक केज बनाया मेटल का, बड़ा सा केज बनाया, और वो अंदर जाकर केज के बैठ गए, ठीक है, बड़ा सा एक केज जैसा बनाया मेटल का, और उसको एक इंसुलेटिंग प्लेटफॉर्म पे रख दिया, ये इंसुलेटिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और एक पूरा सा केज बनाया उन्होंने, खुद अंदर जाके बैठ गए, ये माइकल फेराडे, ठीक है, देखेंगे तो वहाँ से गाली दे रहे होंगे स्वर्ग से, लेकिन क्या करें, और साथ में दो इलेक्ट्रोस्कोप लेके बैठ गए वो, ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप किस लिए, इलेक्ट्रोस्कोप क्या करता है, चार्ज मेजर करके देता है, ठीक है। तो उन्होंने ये देखा कि जब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप की, बाहर से कोई टेस्ला कॉइल वगैरह रख के, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करवाई पूरे रीजन में, ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तो थी, ठीक है, लेकिन अंदर, ठीक है, केज के ऊपर पूरे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो गए होंगे, अंदर उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रोस्कोप में कोई मूवमेंट नहीं आ रहा है, अंदर इलेक्ट्रोस्कोप में कोई मूवमेंट नहीं आने का मतलब क्या हुआ कि
इसके अंदर कहीं पर भी चार्ज नहीं आया, अंदर के रीजन में कोई चार्ज्ड ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, अंदर के रीजन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, क्योंकि अगर अंदर के रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो ये जो इलेक्ट्रोस्कोप है इसमें मूवमेंट आता, समझ में आया। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि इलेक्ट्रोस्कोप में कोई मूवमेंट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ रही है। जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड आप दो, चार्जेस जो इंड्यूस होंगे वो सिर्फ मेटल के सरफेस पर इंड्यूस होंगे, ठीक है, मेटल के सरफेस पर इंड्यूस होंगे और इस तरह से इंड्यूस होंगे कि बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड को ये लोग कैंसिल कर देंगे, तो अंदर के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगी, तो कोई भी इंसान अंदर सेफ रह सकता है, ठीक है। तो वैसे ये इंसान को बचाने के लिए यूज नहीं होता है, ज़्यादातर ये यूज़ होता है कहाँ पता है, हम इसको कुछ ऐसे सेंसिटिव डिवाइसेस होते हैं ना, सेंसिटिव डिवाइसेस, सेंसिटिव मेजरिंग डिवाइसेस, या कोई भी सेंसिटिव डिवाइस बोलो ना, खाली मेजरिंग ही नहीं, कोई भी सेंसिटिव डिवाइसेस जो ज़्यादा सेंसिटिव है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई असर ना हो, इस वजह से उनको इस तरह के केजेस में रख के यूज़ किया जाता है, ठीक है। एक मेटल केज बना दिया जाएगा, उसके अंदर इन डिवाइसेस को रखा जाता है ताकि इनके मेजरमेंट में या जो भी काम के लिए बनाए गए हैं इनको डिस्टरबेंस ना हो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं, पक्का समझ में आ रहा है। आपको कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है जो कि बहुत ही सेंसिटिव है, सेंसिटिव होने का तो समझ रहा ना, बहुत जल्दी किसी चीज़ का उसके ऊपर असर आ जाता है, सेंसिटिव है ये बच्चा बोलते हैं ना, थोड़ा चिढ़ा दो तो होने लगता है मम्मी, ठीक है। तो वैसे ही ऐसे डिवाइसेस जो बहुत सेंसिटिव हैं तुरंत उनके ऊपर किसी भी चीज़ का इफेक्ट आ जाता है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे नॉर्मली एटमॉस्फेयर में इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट होगी ना, हम उतना फील नहीं करते, लेकिन कोई सेंसिटिव डिवाइस होगा ना वो उसको सेंस कर लेगा तुरंत, उसके ऊपर उसका असर आ सकता है। तो वो असर ना आए इसीलिए उसको इस तरह के केज में रखा जाता है, फेराडे केज में रखा जाता है, ठीक है। एक मेटल का बॉक्स ले लेंगे या मेटल का कोई केज बना देंगे, उसके अंदर इस डिवाइस को रखेंगे ताकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का उसके ऊपर कोई असर ना आए। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उस रीजन में, केज के अंदर वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। क्लियर है, पक्का समझ में आ रहा है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अच्छा, इसके अलावा इसका एक और काम है, हम भी बचते हैं, हम भी कैसे बचते हैं, फॉर एग्जाम्पल बारिश का सीजन है, बिजलियां कड़क रही हैं, आपकी कार है, कार से आप जा रहे हो, तीन पहिया वाली कार, उधर तीन पहिया, छह पहिया वाली कार है मेरी, ये नए डिजाइन की कार आई है, आप कार से जा रहे हो, बिजली कड़क रही है, ठीक है, आपको कार से बाहर नहीं आना है, कार के अंदर बैठे रहना है, आप कार के अंदर बैठे हो आप सेफ हो, ठीक है, कार के अंदर आप बैठे हो तो सेफ हो, क्यों, क्योंकि आपकी कार जो है वो एक तरह के फेराडे केज की तरह वर्क करती है। कैसे, मेटल बॉडी है पूरा, है ना, उसका जो बाहर का बॉडी होता है पूरा मेटल का होता है और अंदर का हिस्सा आपका खोखला होता है, खाली जगह होती है ना अंदर। बोलोगे नहीं नहीं सीट होती है, स्टीयरिंग होता है, बाकी चीज़ें होती है, मोबाइल चार्जिंग का पॉइंट भी होता है और हाँ छिया छिया गाना भी बजने वाला, स्टीरियो सिस्टम भी होता है, हाँ वो सब ठीक है, लेकिन अंदर तो स्पेस है ना, ठीक है, खाली स्पेस है ना, वो तो अपनी जगह पे लगे हुए हैं, ठीक है। तो एक मेटल बॉडी के अंदर आप खाली जगह में बैठे हो, ठीक है, तो ये आपका जो कार एक तरह का फेराडे केज की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फेराडे केज। तो जब थंडरस्टॉर्म होता है, बिजली वगैरह कड़कती है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है, ठीक है, बराबर है, आप एक स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्टेक्ट में आते हो। आप बाहर अगर रहे, ठीक है, आप बाहर अगर रहे तो आपकी बॉडी कंडक्ट कर सकती है करंट को, ठीक है, तो आपके बॉडी के थ्रू चार्जेस फ्लो करके जाएंगे, करंट फ्लो करके जाएगा, आपकी जान जा सकती है। होता है ना, आपने कई बार सुना होगा कि बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई, जानवर मर गए, घर झुलस गए, ऐसा ऐसा सब सुनने को मिलता है, राइट। तो वो चीज़ इस केस में नहीं होती, ठीक है, आप कार में बैठे हो, बस में बैठे हो, ठीक है, क्लोज है, बंद है वो ऑब्जेक्ट पूरी तरह से, तो उस केस में आपके ऊपर अगर बिजली गिरती है तो आपको कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हो जाएगी जिसकी वजह से आप अंदर सेफ रह जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर तो रहेगी लेकिन आपको कुछ नहीं होने वाला है, बराबर है। चलते रहो, लेके जाओ अपनी कार, कहीं जाओ दूसरी जगह जहाँ शांत वांत हो, थोड़ी देर खड़ी रखो फिर उतर जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है, आपको सेफ्टी के लिए यूज होता है। अच्छा, तो ये समझ में आ गया आपको कि इसका काम क्या है। अच्छा, आप इस तरह के ना कई एक्सपेरिमेंट भी आपको देखने को मिल जाएंगे, यूट्यूब पे सर्च वगैरह करना, एक्सपेरिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, आपको बहुत कुछ बताया जाएगा, मजा आएगा। तो बस इतना ही आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।